हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इंटर्न ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर और मोस्ट रिकमेंडेड भी है। एंड एक साल के पैकेज में आप देखेंगे अगर आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है दो साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10, ये कोड यूज करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे ATP और NADPH की। थोड़ा सा और सुनने में लग रहा होगा कि ये ATP और NADPH कहाँ से आ गया। अब आप याद करो, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, ठीक, लाइट रिएक्शन पढ़ा था। लाइट रिएक्शन में फाइनली इलेक्ट्रॉन जो था वो कहाँ जा रहा था, ATP और NADPH बन रहा था, ठीक है। ये चीज तो आपको याद होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, वहां पे ATP बन रहा था, फिर फाइनली जो रिड्यूस हो रहा था, फिर जाके NADP जो है वो NADPH में बन गया था, ठीक है। ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो ATP और NADPH जो बना था कोई मजे के लिए तो बना नहीं था, ठीक है। अब वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है डार्क रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि लाइट रिएक्शन में फाइनल जो चीजें बनी ATP और NADPH, ये लाइट रिएक्शन में बना था, ठीक। एक तरीके से कहेंगे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या थे, तो वो ATP और NADPH थे। अब यही ATP और NADPH आगे बढ़ेंगे कहां, डार्क रिएक्शन की तरफ, ठीक है। डार्क रिएक्शन जहां पे फाइनली ग्लूकोज बनेगा, ठीक। क्या होगा, कैसे होगा, हम धीमे धीमे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब ये याद रख लेना कि प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ये बताया ही था आपको क्या थे, ATP, NADPH और ऑक्सीजन बनी थी जो उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट व्हाइल ATP एंड NADPH आर यूज्ड टू ड्राइव द प्रोसेसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड कहां होगी, जो हमारा डार्क रिएक्शन है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में जाके ग्लूकोज बनेगा या जो भी फूड बनना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप समझ गए कि ATP और NADPH फाइनली ये ग्लूकोज जो बनेगा, जो भी स्टार्च बनेगा, ठीक है, आप ग्लूकोज पकड़ के बैठ मत जाना, अभी जो भी फूड बनेगा उसमें काम आएगा और ऑक्सीजन उड़ जाता है, ठीक है। और किस रिएक्शन में बनेगा, किस फेज में बनेगा, डार्क रिएक्शन में बढ़ेगा, इसीलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज, सिंथेटिक मतलब जहां पे कोई चीज की सिंथेसिस हो रही हो। तो यहां पे क्या सिंथेसिस हो रही है, जो भी हमारा या जो भी प्लांट का फूड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक, इसीलिए डार्क रिएक्शन कहलाता है, ठीक। बट अब आप देखेंगे एक चीज, लेकिन जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे वो यहां पे जरूरत पड़ रही है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, इसमें कंफ्यूज मत होना। डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट हो चाहे ना हो डार्क रिएक्शन हो सकता है, बस उसको प्रोडक्ट मिलता रहे ATP और NADPH। लेकिन ATP और NADPH को बनने के लिए लाइट की जरूरत है, क्योंकि वो लाइट रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस है, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। तो अब बात आती है कि ATP और NADPH का यूज कैसे होता है बायोसिंथेटिक फेज में, हमको ये देखना है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन से आगे बढ़े ये, अब डार्क रिएक्शन की तरफ बढ़ गए, वहां क्या होगा, बेसिक चीज क्या होती है हमको पता ही है, जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है, इसमें ये तो आप जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी से कंबाइन करती है एंड शुगर्स बनती हैं, ठीक। इसीलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बना लेती हैं, और उनका खाना क्या है यहां पे, शुगर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो हम बड़ी आसानी से बता दिए, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे रिएक्शन होते होंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जा रही है और प्लांट उसको यूज कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं फिक्स कर रहा होगा,
ठीक है। तो ये फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रिएक्शन में कैसे होता है, कहां वो जुड़ रहा है, फिक्स करने के लिए क्या होगा, कोई हाथ तो है नहीं उसके पास पकड़ के बैठ गया हो, ऐसा तो होता नहीं। हाँ, किसी और मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की शादी करा दो, जोड़ दो, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया, ठीक है। तो यही टारगेट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस मॉलिक्यूल के साथ बांध दिया जाए, तो वही फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि ये सब चीजें खोजी किसने, एक सज्जन थे जिनका नाम था मेल्विन कैल्विन, ठीक है। इन्होंने, इनका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही जागा इसमें, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई भी फॉर्म का, कोई भी फॉर्म का, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, इसके रेडियो आइसोटोप्स आते हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, सिग्नल एमिट करते हैं, दूसरे शब्द में समझ जाओ तुम, ठीक है। तो जहां पे भी वो प्रेजेंट होंगे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उन सिग्नल से, उन रेडिएशन से, कि ये वहां पे हैं। तो 14C ये रेडियो एक्टिव वर्जन है कार्बन का। इन्होंने क्या किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस में ये डाला, एंड फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, दैट वाज अ 3-carbon ऑर्गेनिक एसिड। नहीं समझ में आ रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे जब हम रिएक्शंस देखेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। पर अभी ध्यान रखना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज से जुड़ रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन रहा था वो दैट वॉज अ 3-carbon ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि फाइनली इनको इंटरेस्ट जागा, इन्होंने फाइनली पूरी की पूरी साइकिल डीकोड कर दी कि कैसे ये प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए हम इस पूरे के पूरे साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। और बाद में पता किया गया कि ये जो 3-carbon ऑर्गेनिक एसिड उन्होंने कहा था, फाइनली ये क्या निकला, दैट वॉज 3-phosphoglyceric एसिड। तो अब आपके समझ में आ गया कि CO2 किसी चीज से कंबाइन कर रहा है, अभी एक्स बोल देते हैं, हमें पता नहीं क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कंबाइन करने के बाद, फिक्स होने के बाद जो चीज बन रही थी, दैट वॉज 3-PGA, शॉर्ट में PGA लिख देते हैं, दिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो दिमाग खोल के ध्यान से याद करो, बहुत बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि साइंटिस्ट लोगों को फिर जिज्ञासा जागी कि सारे के सारे दुनिया में जितने पौधे हैं उन सब में PGA बनता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद, या और कुछ भी है। तो उन्होंने पाया कि नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ये तो 3-carbon वाला था, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें 4-carbon वाले मिलते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दुनिया के सारे पौधों में सिर्फ PGA ही बनता है, ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट्स थे जहां पे एक एक्स्ट्रा चीज उन्होंने देखी कि 4-carbon वाला एटम आ गया, 4-carbon वाले ऑर्गेनिक एसिड आ गए, ठीक, और वो क्या था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4-carbon वाला, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि कुछ प्लांट्स में 3C मिल रहा था, कुछ प्लांट्स में 4C मिल रहा था। अब तो इसीलिए क्या हो गए कि दो तरीके की आपको यहां पे दिख गई साइकिल, इसीलिए जिसमें पहला प्रोडक्ट 3-PGA बन रहा है, 3-carbon वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल रहा है, उसको बोलेंगे हम C3 पाथवे, क्योंकि 3-carbon है उसमें, और दूसरा जो होगा दैट विल बी, आप गेस कर लिए होंगे अब तक, C4 पाथवे, ठीक है। तो अब यही चीजें हमको देखनी है कि C3 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कैसे होता है और प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, और C4 पाथवे में चीजें कैसे होती हैं। C3 और C4 में कंफ्यूजन मत रखना अब, वो प्लांट्स जिसमें पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद प्रोडक्ट पहला 3-carbon का बन रहा हो ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि 3-phosphoglyceric एसिड, वो हुआ C3 पाथवे, और दूसरा क्या हुआ जिसमें 4-carbon का बन रहा होगा यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वो हुआ C4 पाथवे, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखना, अब आगे C3 पाथवे से हम शुरू करेंगे अगले क्लास में, इतना कंसेप्ट ध्यान रखना। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा C3 वर्सेस C4 में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड लेफ्ट हैंड कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। प्लस अगर मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, वहां पे आप मेरी सारी क्लासेस का अपडेट पा सकते हो। तो चलो, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।